कंपनियों के हित में भले ही भारत में कितनी बात की गई हो, लेकिन लोगों की सोच में थोड़ा सा ही फर्क पड़ा होगा। अभी भी बेटे को हथियार और बेटी को सिर पर लटकती तलवार माना जाता है। बेटी होते ही उसके माता पिता दहेज की रकम जोड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि समाज की कुरीतियां ही ऐसी है। इस वजह से लड़कियों को लड़कों की तुलना में कमतर आंका जाता है। इन सब बातों को निर्देशक लेखक शशांक खेतान ने बद्रीनाथ की दुल्हनिया में समेटा है। विषय पुराना होने के बावजूद शशांक का लेखन और निर्देशन फिल्म को देखने लायक बनाता है। युवाओं की पसंद के अनुरूप उन्होंने कॉमेडी, डांस, गाने के जरिए अपनी बात को पेश किया है। फिल्म की कहानी झांसी में रहने वाले बद्रीनाथ बंसल की है, जो अमीर बाप का बेटा है। उसे इस बात का थोड़ा सा घमंड भी है। बद्री के पिता रूढ़िवादी हैं, अपनी बड़ी बहू को वे काम करने की इजाजत नहीं देते हैं। कोटा में रहने वाली वेदही त्रिवेदी पर बद्री का दिल आ जाता है। वेदही की बड़ी बहन भी अविवाहित है और उसके पिता को दिन रात बेटियों के विवाह की चिंता सताती रहती है। बद्री को वेदही पसंद नहीं करती, लेकिन जब बद्री उसकी बड़ी बहन के लिए लड़का ढूंढ देता है तो वह शादी के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ तक फिल्म में मनोरंजन की धारा बहती रहती है। कई सीन ऐसे हैं जो दर्शकों को हंसाते हैं। इंटरवल ऐसे मोड़ पर होता है कि दर्शक आगे की कहानी जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। इंटरवल के बाद फिल्म में इमोशन हावी हो जाता है और उठाए गए मुद्दों के प्रति फिल्म गंभीर हो जाती है। क्लाइमेक्स थोड़ा ड्रामेटिक जरूर है, लेकिन अच्छा लगता है। बद्रीनाथ की दुल्हनिया को बहुत अच्छे से लिखा गया है। चिर परिचित फिल्म होने के बावजूद ताजगी महसूस होती है। फिल्म में कई सीन उम्दा है, जैसे बद्री और उसके दोस्त की लड़ाई और फिर समुंदर में बद्री का दोस्त को मनाना, बद्री और वेदही के बीच बस वाला दृश्य, माता की चौकी में बद्री का वेदही की बहन के लिए लड़का ढूंढना, वेदही का बद्री को कहना कि वह अपने पिता के सामने क्या मुंह खोलने की हिम्मत कर सकता है। हालांकि कुछ सीन अखरते भी हैं, जैसे वेदही का बद्री द्वारा लगातार पीछा करना। इस तरह के दृश्य इस बात को बल देते हैं कि लड़कियों को पटाना है तो लगातार उनका पीछा करो। हालांकि स्क्रिप्ट में इसे जस्टिफाई किया गया है, लेकिन फिर भी इस तरह के दृश्यों से बचा जा सकता था। सेकंड हाफ में फिल्म कहीं कहीं थोड़ा कमजोर पड़ती है, खासतौर पर सिंगापुर वाला प्रसंग कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके बावजूद फिल्म में दर्शकों की रुचि बनी रही है। शशांक ने फिल्म में दिए गए संदेशों को थोपा नहीं है। मनोरंजन की आड़ में उन्होंने अपनी बात इतने चुपके से कही है कि महसूस की जा सकती है। शशांक ने अपने सारे कलाकारों से अच्छा काम लिया है, गीतों का सही इस्तेमाल किया है। फिल्म के विषय को देखते हुए सवाल उठाया जा सकता है कि क्या ये अच्छा नहीं होता कि फिल्म का नाम वेदही का दूल्हा रखते हैं, पर बॉलीवुड भी नायक प्रधान है। वरुण धवन और आलिया की केमिस्ट्री शानदार रही है। फिल्म वरुण को भरपूर अवसर देती है, जिसका उन्होंने पूरी तरह उपयोग किया है। वे हरफन मोला कलाकार हैं और कॉमेडी, इमोशन और रोमांटिक दृश्यों में अपनी छाप छोड़ते हैं। डांस उनकी खासियत है और इसका भी निर्देशक ने खासा उपयोग किया है। वरुण की ऊर्जा से फिल्म भागती हुई महसूस होती है। आलिया भट्ट का किरदार ठहराव लिए हुए है। उन्हें कुछ कठिन दृश्य भी दिए गए हैं और वे बखूबी उन्हें निभा ले गई है। होली के त्यौहार पर प्रदर्शित हुई बद्रीनाथ की दुल्हनिया मनोरंजन के कई रंग समेटे हुए हैं और साथ में संदेश भी है। इस फिल्म को मैं 5 में से 3.5 स्टार देता हूँ।